पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया में छाई हुई है। दोनों ने अपने प्यार के लिए बॉर्डर को पार किया, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया और कई दिनों तक सुर्खियां भी बटोरी। लेकिन अब दोनों की कहानी फिर भी काफी अलग है। यहाँ सीमा हैदर को जासूस का तमगा दिया जा रहा है तो वहाँ अंजू पर पैसों की बरसात हो रही है। सीमा बार बार सफाई दे रही हैं, फिर भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां अंजू शादी करने के बाद आराम की जिंदगी की ओर बढ़ रही हैं। सीमा और अंजू की कहानी में कैसे ये बदलाव हुआ है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंजू की। राजस्थान के भिवाड़ी से जब अंजू अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान पहुंची तब उन्होंने खुद को सीमा हैदर से अलग बताया था। अंजू ने बार बार दोहराया था कि वो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आई हैं और यहाँ रुकने, शादी करने और धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। अंजू अब पाकिस्तान में फातिमा बन गई। उनके कथित फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला के साथ शादी का वीडियो भी सामने आ गया, जहां अड़ोस पड़ोस के लोग अंजू को तोहफे दे रहे हैं। वहीं बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंचा और फिर धर्म बदलना अंजू के इस कारनामे को पाकिस्तान में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। तभी पाकिस्तान के बिजनेसमैन मोहसिन खान अब्बासी ने अंजू को इसके लिए बड़े तोहफे देने की बात की। अंजू को पाकिस्तान में एक प्लॉट दिया गया, साथ ही 50,000 पाकिस्तानी रुपए भी देने की बात कही गई। इतना ही नहीं, जैसे ही अंजू की नागरिकता की औपचारिकताएं पूरी होती हैं तब नौकरी देने की भी बात कही गई। अब बात करते हैं सीमा हैदर की। अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर ने शुरुआत में काफी सुर्खियां बटोरी। वो मीडिया में छाई रही और सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रही। लेकिन इन सुर्खियों के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ती गई, क्योंकि सीमा हैदर पर जासूस होने का शक जताया गया। ऐसे में यूपी एटीएस लगातार घंटों तक उनसे पूछताछ करती रही। कई दिनों तक ये सवालों का सिलसिला चलता रहा। अब जब सवालों का सिलसिला कुछ थमा तब सीमा हैदर और सचिन मीणा के लिए एक दूसरी मुसीबत आ गई और वो है खाने और रोजगार का मसला। सचिन मीणा एक दुकान में नौकरी करता था, उसके परिवार के अन्य सदस्य भी दिहाड़ी भत्ते के हिसाब से काम करते थे। अब जब पिछले करीब एक महीने से कमाने वाला हर सदस्य मीडिया की चकाचौंध पुलिस के सवालों में घिरा है तब परिवार पर रोजी रोटी का संकट है। सचिन मीणा के पिता ने एक निजी चैनल को बताया प्रशासन को इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि वे लोग बाहर नहीं जा पा रहे जिसकी वजह से कोई कमाई नहीं हो पा रही है। वे पूरे दिन घर में रहते हैं जिसकी वजह से राशन खत्म हो गया है और कोई कमाई नहीं है। वहीं 30 साल की सीमा हैदर ने दावा किया था कि वो अपने घर बेचकर लाखों रुपए खर्च कर सचिन के प्यार में भारत तक पहुंची हैं, लेकिन यहां अब हालात ऐसे हैं सचिन और सीमा को खाने के लाले पड़े हैं। एक तरफ अंजू थी जो सिर्फ घूमने की बात कर पाकिस्तान पहुंची और अब वहां अपनी नई दुनिया बसाती दिख रही हैं। दूसरी ओर सीमा हैदर हैं जो अपना सब कुछ बेचकर भारत आई थी और अब यहां पाई पाई की मोहताज है। एक महीने में ही दोनों के मामले कितने बदल गए हैं इसने हर किसी को हैरान किया है। आगे ये मामला कैसे बदलता है और इस कहानी में कितने मोड़ आते हैं इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं।